नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में एडमिट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामुल्ला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईईडी बरामद, सेना ने किया नष्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक पर असर। अयोध्या में रामलला मंदिर के एक और सहायक पुजारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हांगकांग में नया कानून लागू करने को बताया मानवाधिकारों का हनन। सुशांत के पिता के वकील बोले, सीबीआई जांच ही विकल्प, मुंबई पुलिस नहीं कर रही है सहयोग। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव के परिवार के 2 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव। श्रीनगर जिले में तत्काल प्रभाव से लगाया गया कर्फ्यू, 4 और 5 अगस्त को भी जारी रहेगा। अरुण लाल बोले कि एसओपी के चलते खुद को कमरे में कैद नहीं करूंगा। 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के मामले में दुनिया भर में हैदराबाद का 16वां स्थान। मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर की दशा पर राज्यों से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से राहत नहीं, 1000 से ज्यादा गांव के 56 लाख लोग प्रभावित। सुशांत सुसाइड मामले पर फडणवीस ने कहा कि सरकार का व्यवहार जांच के प्रति लोगों के अविश्वास को ही बढ़ाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 4.5 लाख के पार, मुंबई में 5 अगस्त से 7 दिन खुलेंगी दुकानें। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे आडवाणी, जोशी और कल्याण। जैविक खेती से बदल रहा लद्दाख के किसानों का जीवन, आय में हो रही जबरदस्त वृद्धि। अमेरिकी श्रमिकों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। सुशांत केस में नया मोड़, जीजा ने दिवंगत अभिनेता को मैसेज कर कहा था कि मेरी पत्नी को अपनी समस्या से दूर रखो। विश्व गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीतकर दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बने थॉमस। केसेलोवस्की ने न्यू हैम्पशायर में नेस्कार रेस जीती, डेनी हैमलिन को पछाड़ा। पीजीए चैंपियनशिप से हटे डेली और विजय सिंह, दर्शकों की गैर मौजूदगी में होगा टूर्नामेंट। पीवी सिंधु ने कहा कि खाली स्टेडियमों में खेलने की आदत डालनी होगी। सैम हॉर्सफील्ड ने जीता पहला यूरोपीय टूर खिताब। भारतीय महिला टीम विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप से हटी।